Plop, plop, fizz, fizz, oh, what a relief. And how true that is. Cool. Vicky, ये मेरी फोटो है यार। वो तो मैं देख रहा हूँ यार, पर तुम्हारे साथ लेडी इन रेड कौन? अरे कोई नहीं यार, वापस दो यार। समीर has a girlfriend. Stop it यार विकी। क्या कर रहे हो? Oh shit, oh shit. Oh God, तू है। ऐसे ही डरा दिया हमें। चल जल्दी आ, आना। कुछ दिखाता हूँ। Come. हाँ, बोल। विकी, ये कौन है? ये रोमियो एंड जूलियट, हीर रांझा, सोनी महिवाल, समीर और संजना। और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। एक्चुअली दोस्त थी संजू मेरे बचपन की दोस्त थी। वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, साथ साथ ही बड़े हुए। ये फोटो एक फनफेयर में खिंचवाई थी हमने। उसका बर्थडे था उस दिन, और अगले ही दिन वो हमेशा के लिए जा रही थी। उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया था। आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था, 6 साल पहले की बात है। 14 साल का था मैं। पर क्या तुझे पता है वो अब कहाँ है? कुछ महीने पहले सुनने में आया था कि वो शायद इसी शहर में है। हे ग्रेट, इसका मतलब कि तू जानता है वो कहाँ रहती है? नहीं, और मैं पता करना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका है और मैं नहीं जानता कि आज वो मुझे पहचानेगी या नहीं, मुझसे मिलना चाहेगी या नहीं। तो अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा है तो ऐसे ही कहीं मुलाकात हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो नहीं सही। ओए समीर, तू तो इस लड़की से बहुत प्यार करता है रे। अरे नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक पुरानी दोस्त है। ओए चुप, सिर्फ एक पुरानी दोस्त है? एक बात बता, और कितने पुराने दोस्तों की तस्वीर 6 साल से ले घूम रहा है तू? हाँ बता। ले, बज गई तेरी घंटी। चल चल, सोने का वक्त हो। सिर्फ एक पुरानी दोस्त। अरे काश ये तस्वीर मेरे जेब में होती यार, तो अब तक मैं उसके घर में बैठा, उसी के हाथ से गर्मा गर्म जलेबियां खा रहा होता। और एक तू है, किस्मत में लिखा है तो मिलेंगे, और नहीं तो नहीं से। नॉनसेंस यार। हे करण, तुझे पता है कि हमारे कॉलेज के पीछे एक गर्ल्स कॉलेज है? तो मैं नहीं, तू कुछ मत कर, तू सिर्फ सोच। करूंगा तो मैं।